बॉयलों की बॉडी रेक्टिफाई करते हैं। इन्होंने हाथ ऊपर करे और अंगड़ाई मार दी। जो ये रबड़ वाला फ्लोर है ये हमने खुद ने लगा। देखो तो नॉर्मल बॉडी बिल्डर भी ऐसे दिख सकते हैं यार। खाना भी अच्छा लगता है। खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं अभी हमारे यहाँ। तो मैं आ गया वहाँ फरीदाबाद में एक बहुत ही इंस्पायरिंग कपल से मिलने। तो मेरे साथ है हमारे नीरज भाई। कैसे हो नीरज भाई? बहुत बढ़िया सर। कि अगर आपने बात नोटिस करी हो, इन्होंने लगा रखा 11/11। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11th November, साइन ऑफ यूनिवर्स, राइट? और इनके साथ इनकी वाइफ, आपका क्या नाम है? रानी खान। रानी खान, तो नीरज रानी खान, हाँ, ये हिंदू मुस्लिम है, बट दैट्स ओके। हमें तो क्या मतलब होता है, हमें तो सिर्फ लोगों की स्टोरी शेयर करनी है यार, सब भगवान के बनाए बंदे हैं। बट इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है। पहले इनके जिम का टूर लेते हैं, पहले देखते हैं इन्होंने जिम भी खुद ही बनाया, पहले जिम देखते हैं। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप इनकी बॉडी भी देखो, दिखाओ बॉडी तो दिखाओ अपनी। मैं चाहता हूँ आप देखो कि यार बॉडी बिल्डर नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं जब वो कॉम्पिटिशन नहीं खेलते। इनकी बॉडी अलग होगी जब ये कॉम्पिटिशन खेलेंगे, बट दैट्स द आइडिया कि आपको रियल दिखाना है। रियल क्या है, जो सच है वो सामने आया है, राइट? पहले जिम देखते हैं, फिर कोई कह सकते हैं 11 साल का बेटा भी है, तो सब कुछ दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। जिम में आप देते हैं जिम का टूर। नीरज द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का क्या मतलब है यार? मतलब मैं मीनिंग तो समझता हूँ, एक्चुअल मीनिंग चीजें ठीक करना, रेक्टिफाई करना, यही मतलब है। तुम लोगों की बॉडी रेक्टिफाई करते सर, लोगों की बॉडी रेक्टिफाई करना, उनका लाइफ स्टाइल रेक्टिफाई करना, ये सारी चीजें हैं रेक्टिफायर का मीनिंग। और ये नाम इन्होंने दिया आपने, ये जो नाम है मैं ये कहने वाला था, ये नाम जो रेक्टिफायर का नाम है ये मेरी वाइफ ने रखा है, मेरे लिए भी नीरज द रेक्टिफायर, और मेरे जिम का नाम फिटनेस रेक्टिफायर भी इन्होंने ही रखा। क्या बात है, मैं जिम का टेलीफोन नंबर भी डालूंगा, आपको भी इनके साथ ट्रेनिंग करनी है, डू ट्राई एंड कम। देखिए नीरज के सारे पिक्चर्स, कोलाज, ये अंगड़ाई लेते हुए की फोटो, ये क्या मतलब कर रहे हो तुम? मतलब सर ये एक थैंक्स है, तो मेरी इतनी टाइम की मेहनत थी, 6 महीने की 7 महीने की लगातार मैं प्रैक्टिस कर रहा था, डाइट कर रहा था, तो ये जब मैं जीता था शो, और शो जीतने के बाद जब मैंने गॉड को थैंक्स किया था, तो ये मेरा एक वो मोमेंट क्लिक किया था, तो ये मेरा वो मोमेंट है। मुझे लगा ये बो करेंगे हेड को, बो करते ही इन्होंने हाथ ऊपर करे और अंगड़ाई मार दी। एक रिलीफ भी मिल गया था मुझे काफी हद तक, चलो ठीक है फाइनली जो मेरा मतलब गेम का आज मैं अगर मैं ऑफ करता हूँ तो एक विनिंग मोमेंट ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। नई साइन की ट्रॉफी यहाँ रखी हुई है, देख रहे हो। तो जिम नया बनाया तुमने, क्या कैसे अभी खोला है? सर ये अभी जिम को 3rd month चल रहा है, और बहुत ही मेहनत से, जैसे कि रानी बताई सारी चीज़ें हम दोनों ने खुद ने ही मैनेज की है। ये फ्लोर जो ये रबड़ वाला फ्लोर है ये हमने खुद ने लगाया, कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ रही थी ना, कॉस्टिंग बचाने के लिए इसको हमने खुद नहीं, इसकी लेबर का काम हमने खुद ने किया है, खुद हाथ से लगाया, हाथ से लगाया ये ग्लू, जिस तरीके से हमने गूगल करा, देखा कि कैसे लगता है, फिर हम दोनों ने इसको बहुत मेहनत करके लगाया है, और ये अराउंड की जितना भी स्क्वायर फीट है हमने कवर किया है। बाकी ये हम नहीं कर सकते थे, बाकी सारे सीधे लाइट्स, वाइट, फैन सब हम खुद लेके आए हैं मार्केट में, कोई वेंडर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये सारे इनकी फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या बात है। अरे यार तुम्हारी देख रहा हूँ मैं, हर जगह तुम्हारे साथ ही फोटो है, तो तुम कैसे मिलेंगे पहले बताएंगे हमें रानी, तुम कैसे मिली इनसे यार बताओ ना। सर बेसिकली वी वर इन कॉलेज, तो मेरी फ्रेंड के भाई थे ये, और ये मुझे छोड़ने आए थे ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज काफ़ी लेट हो गई थी फेस्ट में, तो जैसे ही छोड़ने गए तो लाइक जहाँ पे ड्रॉप किया था एक्सचेंज कर लिया था नंबर, और उसके बाद भूल गए 1 साल तक, और हम लोग कोई बातचीत नहीं थी, एक फ्रेंड्स भी नहीं थे। फिर लाइक आफ्टर 1 ईयर फिर इन्होंने मुझे कॉल किया ऑन द सेम डेट, लाइक 1 डे बिफोर रात को, कि लाइक वी मेट ऑन 9 September 2009। फिर वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला कि एक बार कल मिलना है, थोड़ी देर के लिए मिल लो। क्या याद आ गया था 1 साल बाद? मैं बताता हूँ, एक्चुअली मेरे को है ना कॉलेज में एडमिशन लेना था, और ये कॉलेज की CC थी, सेंट्रल काउंसलर, तो इनके थ्रू मेरा एडमिशन इजीली हो जाता, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि अगर तेरे को हेल्प चाहिए एडमिशन के लिए तो रानी से बात कर, तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया था कि मेरा एडमिशन करा दो, मगर वो एडमिशन तो नहीं करा मैंने, फिर लाइफ में एडमिशन करा दिया, लाइफ में एडमिशन करा दिया। कितना टाइम लगा तुम्हें शादी होने? उसके बाद एक साल बाद हमारी शादी हो गई। घर में प्रॉब्लम आई कुछ लेके? सर प्रॉब्लम मुस्लिम है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें फेस की है, बस माइंड में ये सेट था कि शादी करनी है और उसको अच्छे से निभाना है। और जैसे आजकल रिलीजन वाले इश्यूज चल रहे हैं, लोग कहते हैं, हमें भी कह रहे थे, हमारे पेरेंट्स भी कह रहे थे, और भी लोग कह रहे थे, तो उन सब चीज़ों को कभी हो गए शादी को? सर 14 साल हो गए, अब इस फैब को 15 साल कम्प्लीट हो जाएंगे। 15 साल हो गए शादी को, अब तक तो टच पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस इंसान से प्यार होना चाहिए यार, रिलीजन भी सर। और ये सारी चीज़ें जो है अभी तभी मुझे इसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेडी लक। लेडी लक बिल्कुल, तो कहता हूँ यार लेडी लक अगर स्ट्रांग हो तो आपको फरी बना देता है, वो यार अलग ही लेवल पे ले जाता है आपको। मेरे जिम में ट्रेनिंग करनी है, डू कम इन। तो कैसे तुम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हो, क्या देते हो? सर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, फ्रीलांस ट्रेनिंग भी कराता हूँ, कुछ होम PTs हैं,
बाकी जितना टाइम मेरे को बचता है तो मैं अपने जिम पे रहता हूँ, और मेरी वाइफ है ये इस जिम को कम्प्लीटली रन करती है। क्या आप बता सकते हैं कि इनका 11 साल का बेटा भी है यार? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, बट कमाल है यार, तुमको लगता ही नहीं हस्बैंड वाइफ के। सर सिक्स क्लास में मेरा बेटा पढ़ता है, और मतलब मैं आपको अगर अभी होता तो मैं आपको मिलवाता, वो भी बहुत टैलेंटेड है। और वैसे तो वो मतलब इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, थोड़ा सा ओवरवेट हो रखा है क्योंकि बहुत फूडी है, मतलब मेरे पे ही है, मैं भी बहुत फूडी हूँ अगर मैं ऑफ पे होता हूँ, जैसे अब मैं आपको दिख रहा हूँ। और तो उस टाइम पे मैं अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ। एक इमेज दिखाते हैं हम, जैसे तुम भी देखते हो कि लोगों का ऑब्सेशन होता है स्पेशली बॉडी बिल्डर्स का कि ऐसा ही दिखना, लेकिन जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम ऑफ हो तो तुम नॉर्मल दिख रहे हो, तो इसका क्या रीज़न? सर मैं जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हो क्योंकि आप नेचुरल नहीं हो। नेचुरल जो है वो ये है, जो मैं हूँ ये नेचुरल है, मेरी वाइफ है ये नेचुरल है, मेरा बेटा है वो नेचुरल है। तो अगर हम नेचुरल फैमिली के साथ में रह रहे हैं और उस फैमिली में सारे लोग नेचुरल है, तो हमें भी नेचुरल रहना पड़ेगा। बाय प्रोफेशन मैं एथलीट हूँ, जब मेरा कंप्लीट मुझे करना होता है तब मैं उसके लिए मैं चीज़ें करता हूँ, एनहेंस करता हूँ, मगर जो एक रियल लाइफस्टाइल है वो मेरा ये है जिसमें मैं सारी चीज़ें खाता हूँ। देखो तो नॉर्मल बॉडी बिल्डर भी ऐसे दिख सकते हैं यार, इनके लिए बहुत कम टाइम में अपने आपको प्रेप भी करते हैं, बट इन्जॉय लाइफ यार। मैं तो ये बोलूँगा कि ना भी प्रेप करते हो उसके साथ साथ इन्जॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब मैंने बात तो करती बेटे की, अभी बेटे से मिलने चलते हैं इनके घर में। दस बन भी वेरी A few moments later. तो हम जा रहे हैं हमारे नीरज भाई के घर पे, उनकी गाड़ी पे। तो दिल्ली में हो रही है बहुत बारिश है, सब गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं। तो यार कितनी दूर है तुम्हारा जिम से घर? सर अराउंड 2.5 किलोमीटर होगा, 2.5 से 3 किलोमीटर। अब हमारे नीरज भाई और रानी भाई बहन के घर पे, तो हम उनके साथ आए हैं। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती लेकिन प्यार इतना बना हुआ है कि मजा आएगा इनका घर का टूर देने में भी। आइए अंदर चलते हैं। आइए, कैसे हो? अच्छा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? आतिश। अरे यार इसका तो बड़ा एंजेलिक फेस है यार। कितने साल के आतिश? 11। कौन सी क्लास में? 6th में। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। खाना भी अच्छा लगता है? हाँ। खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं अभी हमारे यहाँ। पापा की तरह रिप्ट हो ना अभी? अभी नहीं, अभी मतलब जब थोड़ा बड़ा होऊंगा तब शुरू करूंगा डाइटिंग वाइटिंग। क्यों डाइटिंग क्यों करनी? इसको डाइटिंग अभी बता रखा है तुमने? ये सारी चीज़ें देखता है सर। देखते हो? क्या अच्छा लगता है तुम्हें पापा के बारे में? उनकी बॉडी और उनकी मतलब वो चीटिंग नहीं करते जब भी उनका शो होता है। और चीटिंग नहीं करते खाने के साथ ना? हाँ, मतलब कभी चीटिंग नहीं करते। और तभी मतलब वो खाते हैं बाहर का खाना, उनका शो खत्म हो जाते हैं, सारे ऑफ पे होते हैं। ऑफ पे होते हैं? भाई की तो टेक्नोलॉजी भी वैसे। तो मैं नीरज भाई दे रहे हैं अपने घर का टूर, भी हम ऐसे एंटर हुए यहाँ पे, मैं मिल गया था भाई हमारे को छोटे से। अच्छा अभी क्या बात है। तो यहाँ पे ये कौन सा, ये आपका कमरा है? सही, बेडरूम है। अच्छा अभी भी टेडी बेयर से खेलता है ये? अच्छा वेरी गुड। ये छोटा सा ड्राइंग रूम टाइप। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा यार अच्छी वाइब है घर की, है ना? साथ में तो घूम ही रही है तो छोटी कंपेनियन। और सर इधर किचन है, सर ये किचन है, और यहीं पे ही सारी प्रैप जो फूड खाना ये सारे ये एयर फ्रायर है, इसके अंदर माइक्रोवेव है, बाकी ये गैस है। तो सारी चीज़ें जो भी डाइट में चाहिए होती है वो यहीं बनती हैं, और डाइट के बाद भी जो अच्छे अच्छे डिलीशियस खाना होता है वो भी इसी में होते हैं। क्योंकि जो मेरे मतलब दादी के घर पे है वो सबके पास गवर्नमेंट जॉब है, और मतलब मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी IPS बनूं। मुझे IPS बनना है? हाँ। IPS बनना क्यों? IPS मुझे इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अपने मम्मा पापा का नाम ऊंचा करना है, और उनको ऐसा फील कराना, मतलब गर्व फील कराना है। पढ़ाई में अच्छे हो तुम? ऐसे ही हो? हाँ अच्छा हूँ। सारा मतलब GK और स्पेस के बारे में मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, और मुझे जो मैं हॉबीज है मेरी वो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे गिटार प्ले करना, स्केटिंग करना सिंगल व्हील पे, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल। नहीं क्रिकेट नहीं खेलता। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं। कितने साल की? 11 साल की। अभी 28 जुलाई को ही बर्थडे था। 28 जुलाई को? क्या बात है, बहुत एंजेलिक है यार ये तो। दिस इज अ वेरी एंजेलिक किड। तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो यार, हाजिर जवाब देने वाले एकदम शाने वाने, तुम तो स्वीट बॉय यार। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। स्मार्ट इंटेलिजेंट पे ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं हमारे नीरज भाई, जो देते हैं ऑनलाइन कोचिंग? बिल्कुल सर, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। तो अगर किसी को देनी हो आपको, किसी को ऑनलाइन कोचिंग देनी हो आपसे, तो क्या करना चाहिए उन्हें? सर आप मुझे DM कर सकते हो और WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो। DM क्या है तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल? नीरज द रेक्टिफायर मेरा इंस्टा हैंडल है, और मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा WhatsApp के लिए। तो क्या नंबर है तुम्हारा, बता भी दो
वहाँ पे आ जाएगा। 4 9 1 5 2 7 7 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग से कुछ भी क्वेरी हो हमारे नीरज भाई से पूछो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ये था इनका होम टूर, इनकी फैमिली का। मैं ऐसे ही आपको इंस्पायरिंग लोगों से मिलाता रहूँगा। देन सी यू सून।